स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ मूनशाइन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 11 बजे से और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैंने तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। हाँ, मैंने मेहंदी ज़रूर लगा रखी है और ऐसी मैंने मेहंदी लगाई है। कमेंट में बताना कि ये आपको कैसी लगी। और मेरे घर में मेरी भाभी ने रखा है करवा चौथ का व्रत और वो अभी नीचे अपनी तैयारी करने में लगी हुई हैं और थोड़ी देर में हम लोग होंगे रेडी और जाएंगे अपने ही कॉलोनी में किसी के घर पर कथा सुनने के लिए। तो जब हम लोग रेडी होंगे तो मैं अपना और भाभी का लुक दिखाऊंगी और आप कमेंट में बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर से पहले हम इनसे मिल लीजिए। ये हैं हमारे इनू इनू और ये नहा के हो चुके हैं रेडी और बैठ के सेक रहे हैं अभी धूप यहाँ पे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग आपसे। One hour later. हमारे घर की लेडी हो चुकी है रेडी करवा चौथ के लिए। आप देख सकते हो, समीक्षा देखना, ये हैं, इनका आज व्रत है और ये जा रही हैं इस टाइम कथा सुनने यहीं कॉलोनी में। तो साथ में मैं भी जा रही हूँ। ये है मेरी भाभी का फाइनल लुक। इन्होंने अनारकली सूट वियर कर रखा है और ये शादी के टाइम का इनका दुपट्टा है, वो बियर कर रखा है और अब हम लोग जा रहे हैं। समीक्षा, करवा चौथ के व्रत में कैसा फील करते हो जब सुबह से करवा चौथ का व्रत रखा होता है? कुछ अच्छा फील, अलग सा फील होता है क्या? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा होता है। हैं, भूख वगैरह नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्यास? प्यास भी लगती। अच्छा, बढ़िया। मतलब एक्साइटमेंट रहता होगा ना बहुत ज़्यादा कि करवा चौथ है, खूब सजना संवरना होगा और शाम के टाइम पूजा होगी। अच्छा, तो काफ़ी इंतज़ार रहता होगा ना? है, बढ़िया है। A few moments later. हम सब लोग आ गए हैं अब यहाँ पे जहाँ पे होनी है कथा। तो जाते हैं अब हम लोग अंदर। चल रही है, मेरा मौत ले ले भाई। इन लोगों की करवा चौथ की पूजा हो गई है स्टार्ट और ये अपने करवा पे बिंदी लगा रहे हैं। ये 13 बिंदी लगानी है या 13 बार तिलक लगाना होता है, तो ये लोग बिंदी लगा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने जाता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का एक पैर पकड़ लिया। इस पर वह ऊंची आवाज में करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी A few moments later.
पूरा हो गया ये जी, ये पूरा हो गया। हां हां अभी की बहन चाहिए नहीं। हे भगवान, हे भगवान महाराज, सदा स्वागत पहननी चाहिए तुम्हें, फर्स्ट रहना चाहिए हम एक ही जगह पे, ऐसे बहुत फूलना सब फर्स्ट रहने चाहिए, तो जो करवे वाली पूजा थी, कथा जो थी वो हो गई पूरी, और अब हम लोग जाते हैं घर के लिए। ये देख सकते हैं मेरी भाभी का लुक, आज कुछ ज़्यादा ही खिल के आ रखी है। चलो इस टाइम पे हम लोग आ गए अपने घर, और मेरी भाभी अभी पूजा कर रही हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ये फलहार कर लेंगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही व्रत रखा था स्टार्टिंग से ही, पूजा करने के बाद कथा सुनने के बाद फल वगैरह खा लेती हैं। ये कहते हैं फर्स्ट टाइम जैसा व्रत रखते हैं वैसे उसी हिसाब से रखना होता है हर बार, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा के व्रत रखा था। One hour later. इस टाइम पे सभी लोग लगे हुए हैं काम करने में, ताकि जब चांद निकले तो सब लोग छत पे पहुंच जाएं जल्दी से। बस थोड़ा सा खाना बनाने को रह गया है, बाकी तो रेडी हो ही गया है, तो ये जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाते हैं छत पर। चांद निकल आया है और अब हम लोग जाते हैं छत पे, खाना वगैरह तो बना दिया है। व्रत है वो भी अब आ गई है छत पर चांद को देखने के लिए। तो चांद की पूजा शुरू कर दी भाभी ने, जल्दी जल्दी से निपटा रही हैं। दो भाई चांद को तो देख लिया छन्नी से, अब अपने पति को भी देखेंगी ये छन्नी में, तब जाके इनका व्रत पूरा होगा। ये लीजिए अब जाके ये व्रत पूरा हुआ, पानी पी के और कुछ मीठा भी खा लें तो सही होगा। ये मीठा भी हो गया, अब आशीर्वाद भी ले लो, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा हुई ख़त्म, और पीछे आप ऊपर देख सकते हो चांद नज़र आ रहा है, और अब हम लोग जाते हैं नीचे और करते हैं डिनर। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।